I don't know if I'm changing over. In the moonlight, I can't kill this feeling sober. So it starts to come alive. I don't know what starts to control me. क्या ये मक्खन वगैरह डाला हुआ ऊपर, सर अमूल मक्खन है इस पे, अमूल मक्खन डाला हुआ है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो, क्योंकि आज मैं आया हूँ एक बहुत ही स्पेशल जगह पे। पहले मैं आपको जगह दिखा देता हूँ, आप देख लो कहाँ पे आया हूँ। जी हाँ, मैं आया हूँ प्यारे लाल अमृतसरी जी के यहाँ, इनके भीगे कुलचे एंड अमृतसरी कुलचे ट्राई करने के लिए। देख लो यार, एक छोटी सी कार्ड से इन्होंने शुरू किया था, अब दिल्ली में इनकी दो ब्रांचेज हैं एंड गुड़गांव में भी आपको अब भीगा कुलचा और अमृतसरी कुलचा एंजॉय करने का मौका मिल रहा है। तो सीटिंग अरेंजमेंट देख लेते हैं एंड फिर खा के देखते हैं कि इनका भीगा कुलचा और अमृतसरी कुलचा कैसा है। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए एंड जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे को सब्सक्राइब भी कर लो एंड इंस्टाग्राम आपको नीचे दिख रहा होगा मेरा और जय का भी, जो कि इस टाइम जिसने कैमरा पकड़ा हुआ है, जय को भी फॉलो कर लो। आपने अगर इस वीडियो का बिहाइंड द सीन्स देखना है तो जय के चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। यार आप देख लो कि सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा है, चेयर्स एंड टेबल्स लगे हुए हैं, यहाँ पे चार टेबल लगे हुए हैं, चार चार के एंड सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी सही है। आप देख लो कि मतलब वैसे तो इनका ओपनिंग टाइम 8:30 है, पर यार 8:15 आके लोग इन्जॉय कर रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा फेमस है प्यारे लाल अमृतसरी जी के कुलचे एंड हम भी अभी टेस्टिंग करते हैं, पहले दिखा देते हैं कि कैसे बनता है एंड फिर करते हैं इनको टेस्ट। मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ, वो आपको दिख रहा होगा जो वेस्टर्न होटल है। वेस्टर्न होटल के आप देख लो बिल्कुल सामने है प्यारे लाल अमृतसरी। अभी मैं आपको वेस्टर्न से भी व्यू दिखाता हूँ कि वेस्टर्न से कैसा लगता है, आप कैसे ढूंढ सकते हैं इसको। वैसे अगर आप गूगल मैप्स पे ABW टावर डालोगे तो भी आप प्यारे लाल अमृतसरी पे पहुँच जाओगे। तो शुरू करते हैं खाने पीने का कार्यक्रम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी बनने जा रहा है हमारा भीगा कुलचा, कुलचे को डुबो दिया है एंड इसको बंद कर देंगे, अच्छे से 2-3 मिनट के लिए डूबने देंगे कि ये छोलों का जो सारा रस है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले एंड 2-3 मिनट के लिए इसको ढक दिया है। मज़े से बनेगा कुलचा, भीगा कुलचा तैयार हो रहा है एंड ये आप देख सकते हैं इनके पास अपने खुद के बनाए हुए अचार है, सिरके वाला प्याज है, गाजर का अचार भी है, आम का है, मिर्ची का है, अदरक का अचार है, ये खुद ही सारा कुछ बनाते हैं। एंड एक और बात बताऊं कि इनके जो ऑयल फ्री होते हैं छोले एंड उनमें ना अनियन होता ना गार्लिक, ओ भाई साहब ये देख लो कि आ गया है हमारा भीगा कुलचा एंड कितना सही लग रहा है। मतलब खाने में तो मज़ा ही आ जाएगा, मेरे को तो खुद को क्रेविंग हो रही है काफ़ी। एंड अभी अपने छोले डाल देंगे बीच में, जो इनके स्पेशल अमृतसरी टाइप छोले हैं एंड उसमें जाएगी साथ में प्याज, जिसको प्याज डलवाने हैं वो डलवा सकते हैं, ऑप्शनल है, डालने जरूरी भी नहीं है। प्याज चले गए हैं एंड अब जाएगी इनकी स्पेशल हरी चटनी इसमें, जो कि देखने में तो काफ़ी बढ़िया लग रही है। देखते हैं अभी इसका टेस्ट कैसा होता है छोले भीगे कुलचे के साथ। एंड इसके बाद हमारा लगने जा रहा है जो कि है स्पेशल पंजाबी तवे वाला भटूरा, जिसको शैलो फ्राई कर किया होता है, डीप फ्राई नहीं किया होता है एंड शैलो फ्राई करने के बाद तवे पे सेकते हैं, तवे वाला भटूरा है एंड बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है ये। मैंने काफ़ी बार खाया हुआ है अमृतसर में एंड पंजाब के काफ़ी शहरों में, बट यहाँ का भी देख लेते हैं अभी कैसा होगा। एंड ये पूरा सिख के तैयार हो गया, इसमें आप देख सकते हैं कि आलू है, इसमें आलू भरा हुआ है, इसमें कसूरी मेथी वगैरह होती है, मतलब ये बहुत ही बढ़िया कुलचा होता है। एंड ये देख लो आप कि कितना बढ़िया तरीका है अमृतसरी कुलचा बनाने का, इसमें फुल मतलब अच्छे से फिलिंग की जा रही है, बिल्कुल मज़ेदार एंड अच्छे से बनाया जा रहा है। फिलिंग तो भाई साहब क्या फिलिंग कर दी इसमें, और आप देख लो कि एक डोट तैयार हो गया एंड इसको अब बेल के अच्छी तरह से मतलब पूरा फ्लैट करके ये जाएगा तंदूर के अंदर, पूरा फ्लैट कर दिया भैया ने अच्छी तरह से, अब ये तंदूर के अंदर जाएगा, स्लो आंच पे पकेगा क्योंकि स्लो आंच से जो अंदर इसके बटर भरा होता है ना, डो के लेयर्स लगाए होते हैं, वो बटर मतलब क्या अंदर से क्रिस्पी कर देगा अमृतसरी नान को।
एंड अगर आपने यहाँ इनकी डिलीवरी लेनी है तो ये नंबर लिखे हुए हैं, आप डिलीवरी भी इनसे ले सकते हैं फ़ोन करके, नंबर आपको स्क्रीन पे पीछे दिख गए होंगे। अमृतसर भटूरे सॉरी अमृतसर कुलचे ऑलरेडी हमारे तंदूर के जाने के लिए तैयार हैं। तंदूर के अंदर जाएंगे एंड स्लो आंच पे थोड़ी देर के लिए पकेंगे, 3 से 4 मिनट के लिए, जितनी देर से बाहर गोल्डन ब्राउन टाइप नहीं हो जाता। तो लो जी कुलचे तैयार हो गए हैं, अब जा रहे हैं ये तंदूर से बाहर। मज़ा ही आने वाला है यार खा के, कितना मतलब देखने से तो काफ़ी क्रिस्पी लग रहा है। अब इस पे लगेगा ब्रश से अमूल बटर। ओ भाई साहब अमूल बटर लग गया, ओहो भाई साहब आप देख लो क्या शाइन मार रहा है कुलचा, खाने में तो मज़ा ही आने वाला है यार। तीनों चीज़ें ही जबरदस्त लग रही हैं देखने में, प्रेजेंटेशन मतलब देखो के देख के ना टेम्पटिंग से लग रहे हैं, खाने का मन कर रहा है। एंड चलो देखते हैं अभी कैसा होता है। एंड साथ में इनके छोले, इनके छोलों की एक खासियत है कि ये ऑयल फ्री हैं, बिल्कुल ऑयल नहीं है इन छोलों में, बनाने के वक्त ऑयल नहीं यूज़ किया गया। साथ में हमें मिला है अचार, ये है हमारा भीगा कुलचा, ये है हमारा जो तवे वाला भटूरा, एंड ये है हमारा अमृतसरी चूर चूर नान। तो अभी कर लेते हैं इन सभी चीज़ों की टेस्टिंग। तो पहले कर लेते हैं इनकी सबसे स्पेशल चीज़ टेस्ट, जो काफ़ी सालों से ये बना रहे हैं, इनका फेमस अमृतसरी भीगा कुलचा। आप देख लीजिए कि छोलों की कंसिस्टेंसी कितनी बढ़िया है, एंड कुलचे को डुबोया ही हुआ है बीच में। तो टेस्ट कर लेते हैं, फ्रेग्रेंस भी काफ़ी बढ़िया है। भाई साहब बिल्कुल ना अमृतसर की याद आ गई, इतना ज़्यादा सही बना ना भीगा कुलचा, मतलब अमृतसरी छोलों का इतना बढ़िया टेस्ट है भाई साहब, गजब ही है यार चीज़। तो पहली बार भीगा कुलचा ट्राई कर रहा हूँ, एंड आई एम श्योर ये खाने के बाद आगे भी ट्राई करता रहूँगा। तो भीगा कुलचा कर लिया मैंने टेस्ट, एंड अभी बारी है इनका स्पेशल जो तवा भटूरा है। आप देख लो तवे पे सेक के ये भटूरा दिया गया है, एंड बाइट लेते हैं, साथ में गाजर का अचार। भाई आप देख लो कसूरी मेथी वगैरह डाली हुई है इसमें, आलू डाला हुआ है, बहुत ज़्यादा सही टेस्ट है, मज़ा आ रहा है खा के। जो भटूरा होता है ना वो क्या होता है, फिर रबड़ी हो जाता है जब ठंडा हो जाए या फिर दोबारा सेको तो रबड़ी हो जाता है, पर इसमें ऐसा नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट है भटूरा, खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो लीजिए जनाब अभी बारी आ गई है अमृतसरी चूर चूर नान की, आप देख लो भी ये देख लो यार मज़ा ही, मतलब क्या ही है, मक्खन वगैरह डाला हुआ ऊपर, सर अमूल मक्खन है इस पे, अमूल मक्खन डाला हुआ है, एंड देख लो कितना ज़्यादा, अभी भी देख लो 2-4 मिनट हो गए इसको पड़े को, एंड अभी भी मतलब शाइन कर रहा है ये। तो टेस्ट कर लेते हैं, सॉफ्ट काफ़ी है, ये देख लो आप फिलिंग, फिलिंग कितनी बढ़िया तरह से, मतलब फिलिंग में कोई कंजूसी नहीं है, फिलिंग बहुत बढ़िया तरह से की गई है। एंड टेस्टिंग इसकी कर लेते हैं, स्पेशल अमृतसरी खट्टी चटनी छोलों में, साथ में रायता दिया हुआ है। भाई साहब अमृतसर की याद आ गई, लास्ट टाइम अमृतसरी कुलचा खाया था मैंने 2 हफ्ते पहले जब अमृतसर गया था, पर यार आई एम वेरी हैप्पी कि दिल्ली और गुड़गांव जैसे शहर में ऑथेंटिक जो है अमृतसरी कुलचा मिल रहा है। मैं तो मतलब हफ्ते में एक बार पक्का ही खाने वाला हूँ, जितना बढ़िया है।
ये देख लो जनाब, इनकी एक और स्पेशलिटी है लस्सी। मैंने मीठी लस्सी देखी है मार्केट में, पेड़े वाली लस्सी देखी है, पर यार ये देख लो पान लस्सी और मैंगो लस्सी नाम की भी चीज़ होती है, ये मेरे को आज पता लगा है यार। क्या मतलब दिमाग देख लो यार बंदे का, प्यारे लाल जी का भी मतलब नई नई चीज़ें। भीगा कुलचा मैंने पहली बार खाया आज, जो कि बहुत बढ़िया इनोवेशन है। एंड ये पान और मैंगो लस्सी, ये मैं लस्सी नहीं पीता इसीलिए पान लस्सी और मैंगो लस्सी आपको जय टेस्ट करके बताएगा कि कैसी है। चलो जी जय साहब लस्सी का रिव्यू दे दीजिए, पहले मैंगो लस्सी ट्राई कर रहा है जय। भाई बहुत ज़बरदस्त है, मतलब जो एक मैंगो का टेंगनेस होता है ना, इतना गजब का फ्लेवर आ रहा है उसका कि हद नहीं है। एंड ये मेरे वाले लस्सी में ना नए नए इनोवेशन आने लग गए हैं भाई, मेरे को तो बहुत पसंद है। एंड मैंगो वाला मुझे बहुत ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो टेंगीनेस हो गया, फिर मैंगो का फ्लेवर भी बहुत एकदम स्ट्राइक सा करता है, एकदम जो स्पार्क होता है ना बड़ा मस्त कर रहा है। एंड मुझे तो भाई बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा पीने में। एंड हाँ मैं ट्राई करूँगा, आगे भी ट्राई करूँगा। पान लस्सी चख के देखो यार, पान लस्सी ना मतलब सुनी पहली बार, देखना तो दूर की बात है। मैंगो लस्सी तो चलो फिर भी ठीक है, पर पान लस्सी भी बन सकती है ऐसा फर्स्ट टाइम पता लगा है। एकदम प्रॉपर जो पान खाते हैं ना, तो उसमें सुपारी हो गई, फिर और भी चीज़ें जो होती है उन सब का इतना तगड़ा फ्लेवर आ रहा है ना, तो जो इसको हम चबाते हैं ना, जो उसके छोटे छोटे पार्टिकल हो गए, जैसे बहुत चीज़ होती है पान में, तो उसका एकदम अलग सा फ्लेवर आ रहा है, चलता जा रहा है। मतलब एक घूट अगर आप पी लो ना, फिर आप दो मिनट तक तो पहले उसी को एकदम चलाते रहो, जब उसका टेस्ट खत्म होगा तब आप और पीने का मन करेगा, ऐसा है। तो लस्सी भी कुल मिला के मतलब अगर हम रेटिंग देनी चाहें तो यार तीनों चीज़ों को रेटिंग कितनी दोगे, 10/10? भाई मैं तो 10/10 दूंगा, मुझे तो बहुत पसंद आया है। मेरी तरफ से भी यार 10/10 है। मेरे को तो यार अमृतसर की ऑथेंटिक अमृतसरी कुलचे की याद आ गई ये खा के, एंड आगे भी मैं ये खाता ही रहूँगा, तो मज़ा ही आ गया यार। अभी इसको ख़त्म करते हैं एंड फिर देते हैं आपको एक फाइनल वीडियो की एंडिंग। तो ये है यहाँ के ऑनर सर, आप बताइए कि हमारे एक तो यहाँ पे कौन कौन सी लस्सी मिलती है, पहली बात तो, जो कि एक तो भीगा कुलचा हो गया, मतलब सारी चीज़ें बता दी यहाँ पे क्या क्या मिलता है। हमारे यहाँ पर भीगा कुलचा मिलता है, तवा भटूरा मिलता है, तवा कुलचा मिलता है, आटा कुलचा मिलता है, बटर कुलचा मिलता है, चावल छोले मिलते हैं, और अमृतसरी तंदूरी कुलचा मिलता है। और उसके बाद हमारे पास लस्सी है, देखो जैसे ये मसाला छाछ है, ब्लैक करंट है, पान लस्सी है, मैंगो लस्सी है, स्वीट लस्सी है, और इसमें स्ट्रॉबेरी भी है, मतलब फ्लेवर है। मतलब लस्सी यार आपने सिंपल लस्सी सुनी होगी, पेड़े वाली लस्सी सुनी होगी, बट यार नई इनोवेशन की ब्लैक करंट लस्सी मतलब इन्होंने बनाई है, बंदे की सोच भी नहीं जाती। ब्लैक करंट और पान लस्सी तक तो बंदे की सोच नहीं जाती, इन्होंने ये बनाई है। एंड पान लस्सी और मैंगो लस्सी हमने पीजिए वीडियो में टेस्ट भी की, तो यार मतलब काफ़ी बढ़िया थी। फर्स्ट टाइम मैंने ज़िंदगी में लस्सी पी है आज, मतलब पंजाबी हो गए, मैंने कभी लस्सी नहीं पी। आपको ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, पर यार क्या ही करें, अपने अपना टेस्ट होता है। बट यार पहली बार लस्सी की तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस था, पान लस्सी भी मैंने। एंड सर फ्लेवर तो है, उसके बाद टेस्ट बहुत बढ़िया है। टेस्ट तो अमेजिंग, आपने पी, आपको 10/10 बता ही दिया सर, 10/10 था, फूड भी 10/10 एंड लस्सी भी 10/10। सर एक तो आप टाइमिंग का बता दीजिए हमें। हमारी सुबह 8:30 AM ओपन है। हाँ जी। और 4:30 PM 8:30 से लेकर 4:30 PM तक होती है। एंड सर आप ये भी बता दीजिए, एक तो हमारी गुड़गांव में ब्रांच होगी और हमारी दिल्ली में ब्रांचेस कहाँ कहाँ है? फर्स्ट ब्रांच हमारी जो है सुभाष नगर में है। हाँ जी। सेकंड हमारी रमेश नगर मेट्रो स्टेशन के पास है। अच्छा। और थर्ड हमारी ये गुड़गांव वाली गाँव में है, इफ्को चौक पे, ABW टावर है। ABW टावर के अंदर दुकान है हमारी। ओके। तीन दुकान है हमारी, तीन शॉप है। एंड भगवान ने इतनी कृपा की है इन पे, इतना अच्छा खाना है, आई एम श्योर कि और ब्रांचेस भी खुलेंगी, अलग अलग जगह पे खुलेंगी। एंड इधर अभी थोड़े कस्टमर्स बैठे हैं, तो कस्टमर्स का रिव्यू जान लेते हैं कि उनको यहाँ का फूड कैसे लगता है। तो थोड़े से कस्टमर रिव्यूज़ जान लेते हैं कि कस्टमर्स को प्यारे लाल जी का खाना कैसे लगता है। तो सर बताएंगे, सर आप यहाँ कितनी देर से आ रहे हैं?
मैं यहाँ लास्ट एक मंथ से आ रहा हूँ। मैंने भी इनकी एक यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, उन्होंने नया ओपन करा था तो मैं आया था, तो फर्स्टली मैंने वहाँ पे खाया था। तो मैंने वहाँ पे लस्सी पी थी और क्या बोलते हैं उसको, इनका जो कुलचा है अभी का वो कुलचा वो खाया था, बहुत ही बढ़िया था। और आज मैंने ये ट्राई करा है इनका चूर चूर नान, जो अमृतसरी नान है, तो ये बहुत ही बढ़िया भी खाया हम चारों ने। और इनको भी मैं लेके आया हूँ तीनों को, बेसिकली यहाँ से नहीं है, मैं ही पास में रहता हूँ, तो इन तीनों को भी साथ में लेके आया हूँ खिलाने के लिए। तो बहुत बढ़िया है यहाँ पे, आप आइए, एनवायरनमेंट भी अच्छा है, आसपास बैठने के लिए भी अच्छा है यहाँ पे। थैंक यू फॉर द रिव्यूज सर, आई होप आपको रिव्यूज पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कॉमेंट करके बताइए कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। एंड इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो कर लें, जय के चैनल की जो वीडियो है, जो BTS है इस वीडियो का, वो आपको जय के चैनल पे मिलेगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बाय बाय फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।